जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन जेएनयू ने सोमवार को कैंपस के बाहर कथित फीस वृद्धि और छात्रावास ड्राफ्ट मैनुअल को लेकर सैकड़ों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश द्वार पर सीआरपीएफ कर्मियों को तैनात करने के साथ ही बैरिकेड्स लगा दिए हैं। हम लोग यहाँ 15 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वाइस चांसलर हमसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ फी हाइक हो गया है, यहाँ 40% बच्चे हैं जो बहुत गरीब तबके से आते हैं। यहाँ पर सब्सिडाइज होता है हॉस्टल भी, हर चीज, ताकि गरीब पढ़ सके। अगर यहाँ 6-7 हज़ार हॉस्टल भी आ जाएगा तो कोई गरीब कैसे पढ़ेगा। इसीलिए हम लोग 15 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे वाइस चांसलर एक बार भी मिलने नहीं आए। प्रदर्शन कर रहे छात्र ने दीक्षांत समारोह का बहिष्कार के साथ प्रशासन से हॉस्टल ड्राफ्ट मैनुअल और फीस वृद्धि को पहले जैसा करने की मांग की। वहीं कैंपस में सीआरपीएफ की तैनाती को लेकर जेएनयू प्रशासन ने अब तक कोई बयान नहीं दिया। जेएनयू प्रशासन ने अपने हालिया निर्देशों में छात्रावास, मेस और सुरक्षा फीस में 400% की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही नए निर्देश में छात्रावास आने जाने की समय सीमा सीमित कर दी है।